5 अक्टूबर 2024 वक्त शाम के 6 बजे हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर मतदान का औपचारिक समापन। टीवी चैनलों की रिपोर्ट्स बताने लगे कि मतदान केंद्रों पर अभी भी कुछ मतदाता पंक्तियों में खड़े हैं, तो कुछ देर बाद मतदान चलेंगे। इधर टीवी चैनलों के स्टूडियोज में वरिष्ठ पत्रकारों और चुनावी विशेषज्ञों की पैनल सजी है। एंकर बताते हैं कि 6:30 बजे हम एग्जिट पोल के नतीजे बताना शुरू करेंगे और वो वक्त भी आ गया। एंकर घोषणा करने लगे कि अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों प्रदेशों के एग्जिट पोल्स बारी बारी से दिखाए जाएंगे। टीवी चैनलों पर पट्टियां आने लगी, एक तरफ हरियाणा एक तरफ जम्मू कश्मीर, दोनों के सामने सीटों की संख्या 90-90 दिखने लगी। उनके आगे प्रमुख पार्टियों के नाम और उनके आगे 0-0 चर्चा चल रही है। वक्त के साथ साथ आंकड़े आने लगे और पता चला कि बीजेपी को दोनों ही प्रदेशों में बड़ा झटका लग रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में ऐलान कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी की करीब करीब बराबर सीटें आएंगी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होने वाली है। एक बार फिर से तारीख बदलती है, 8 अक्टूबर 2024 फिर से टीवी चैनलों पर उसी तरह का माहौल देखने को मिलता है, वही विश्लेषण। इंतजार है सुबह के 8 बजने का, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। रिपोर्ट्स फिर से मैदान में हैं, वो अलग अलग दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे भी कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने मीडिया का माइक पहुंचता है, वो कहते हैं हमारी सरकार की वापसी होने जा रही है। रिपोर्ट उन्हें एग्जिट पोल्स के नतीजों की याद दिलाते हैं, तभी सैनी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बस इंतजार कीजिए, एग्जैक्ट पोल्स उलट जाएंगे, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। और वक्त आ गया 8 बजे और दोनों ही प्रदेशों में नियम के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हुई। थोड़ी ही देर में रुझान भी आने लगे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जोरदार झटका, ज्यादातर सीटों पर पीछे दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल्स के नतीजे सही जान पड़ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के 4 उम्मीदवार अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे हैं, तो कांग्रेस को 30 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। धीरे धीरे ये अंतर घटता जाता है, लेकिन लंबे वक्त तक कांग्रेस आगे रहती है। फिर टीवी चैनलों से घोषणा होने लगती है कि हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में पूर्ण बहुमत मिल गया है। बीजेपी अब तक 25 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही थी। यही ट्रेंड टिका रहता है तब तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी रुझान आने लगते हैं, वहां अलग ही कहानी देखने मिलती है। हरियाणा में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी आगे दिखती है। देखते ही देखते टीवी चैनलों पर भी माजरा बदलने लगता है, लगभग सभी चैनलों पर पासा पलटने लगा, बीजेपी आगे और कांग्रेस पीछे। धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस के रुझानों के बीच में सीटों का अंतर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर वक्त आता है जब बीजेपी को रुझानों में पूर्ण बहुमत मिल जाता है, सिर्फ आधे घंटे का फासला और कांग्रेस आगे से पीछे, जबकि बीजेपी पीछे से आगे। ये ट्रेंड भी टिक जाता है। टीवी चैनलों पर एंकर पोलिस्टरों से पूछने लगते हैं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जवाब आता है अभी तो शुरुआती रुझान है। फिर वो वोट प्रतिशत पर ध्यान दिलाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस सीटों के मामले में बीजेपी से पिछड़ने के बावजूद वोट प्रतिशत में आगे है। कांग्रेस को करीब 45% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी को करीब 40% वोट मिलते हैं। फिर ये गैप भी भरने लगा, करीब 3% का अंतर घटकर 1% पर आ जाता है। लगभग 12 बजे तक हरियाणा में कांग्रेस को 40.25%, जबकि बीजेपी को 39.29% वोट मिले हैं। अभी भी रुझान ही आ रहे हैं, किसी भी सीट पर निर्णय नहीं हुआ, नतीजे घोषित होने के इंतजार अभी भी हैं, लेकिन ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में ही टिका हुआ है। बीजेपी 49, कांग्रेस 35, INLD 1, BSP 1 और निर्दलीय 4 सीटों पर प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले आगे चल रहे हैं।